नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कंपनी के बारे में काफ़ी सारी जरूरी चीज़ों को देखते हुए पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसके बाद जो है कंपनी की एक टारगेट वैल्यू को, एक अंदाजित वैल्यू को पता लगाने की कोशिश करेंगे भाई आने वाले समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब यहाँ पर दी हुई है, जैसे कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी का जो मार्केट कैप टाइप है वो लार्ज कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी मार्केट कैप वैल्यू जो है 5,56,629 करोड़ की रही हुई है। कंपनी जो है मुख्य रूप से FMCG के सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, जिसमें कंपनी जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। इसके अलावा ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर कंपनी के दोस्तों रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो FMCG के सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आज के समय में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है, क्योंकि कंपनी ने लगातार खुद को एक्सपेंड और इम्प्रूव किया है। आज के समय में कंपनी के पास 50 से ज़्यादा ब्रांड्स रहे हुए हैं, 16 से भी ज़्यादा FMCG प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज रही हुई है। कंपनी को इस सेक्टर में काम करते हुए 90 से भी ज़्यादा सालों का समय हो चुका है। कंपनी की प्रोडक्ट्स को 9 मिलियन से भी ज़्यादा रिटेलर्स के द्वारा बेचा जा रहा है। कंपनी के भारत में 3500 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रहे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है और FMCG के सेक्टर में कंपनी एक बड़े प्लेयर के रूप में काम कर रही है। तो ये तो थी कंपनी के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी को जरूरी रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों, चलिए हम पिछले पाँच साल पहले चलते हैं, 2019 में। उस समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखते हैं। तो इस समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू 3 जून 2019 को 1830 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 साल के बाद यानी 3 जून 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 2496 रुपये तक जाके चली गई है, ठीक है। यानी कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अगर ये मैक्सिमम देखें तो भाई ये वैल्यू गई है 2859 रुपये तक। यानी पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर की वैल्यू ने 1830 रुपये से 2859, लगभग 2860 रुपये तक का जो सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 35% का रिटर्न दिया है। पर दोस्तों, 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, 35% का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता। अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो ये कंपनी एक लार्ज कैप पे काम कर रही है, इसके हिसाब से 35% रिटर्न काफ़ी कम कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। तो इसके लिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया। इसके बाद हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखते हैं, भाई कंपनी कैसे क्या रेवेन्यू और जो प्रॉफिट बना पा रही है। तो अगर 2019 में हम देखें तो कंपनी के द्वारा 39,860 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और कंपनी की नेट इनकम 6,054 करोड़ की बनती थी। और अगर 2023 में देखें 5 सालों के बाद तो कंपनी का रेवेन्यू 39,000 करोड़ से बढ़ के 61,267 करोड़ हो चुका है। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है कंपनी के रेवेन्यू में। और नेट इनकम को देखें तो भाई 6,054 करोड़ से बढ़ के कंपनी की नेट इनकम 10,120 करोड़ हो चुकी है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिली है देखने मिली है। इससे कह सकते हैं भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है फाइनेंशियली, ठीक है। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, अच्छा रेवेन्यू भी बना रही है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के संपत्ति की वैल्यू 18,229 करोड़ की संपत्ति कंपनी के पास हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 18,629 करोड़ से बढ़ के 73,000 करोड़ हो चुकी है। तो देखिए इसमें कितनी बड़ी बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी की जो एसेट्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े पिछले 5 सालों में। ये 18,000 करोड़ से बढ़ के सीधा 73,000 करोड़ हो चुके हैं। यानी कंपनी ने खुद को भाई काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया पिछले 5 सालों में। और अपने जो ये स्टोर्स वगैरह है और जो कंपनी के एसेट्स है वो काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। अगर रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो इससे कंपनी अच्छा रेवेन्यू बना के आगे बढ़ सकेगी। तो इसलिए इसको हमने एक प्लस पॉइंट दिया है। अब हम कंपनी के द्वारा दिए गए डिविडेंड को देख लेते हैं। तो कंपनी ने 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया था, 2022 में भी 2 बार डिविडेंड दिया, 2021 में डिविडेंड दिया। और दिए गए डिविडेंड की वैल्यू आप देख सकते हो, 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखा कि कभी कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है अपने निवेशकों को, तो एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इससे निवेशकों को तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ साथ में कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के भी संकेत होता है, प्लस पॉइंट और दिया है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की लगभग 62% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई इस होल्डिंग में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी रख के कोई भी फंड नहीं लिया है। ये पूरी तरह से होल्डिंग कंपनी के पास रही हुई है, ठीक है, पूरी तरह से अनप्लेज स्थिति में रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी का में 5% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है।
अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा कंपनी में 8.27% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 12% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 12% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी में काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है बड़े इन्वेस्टर रहे हुए हैं और कंपनी ने अपने शेयर को बैंक में भी गिरवी नहीं रखा है किसी भी तरह से, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं भाई इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे, क्योंकि अगर दोस्तों अगर बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में इतनी अच्छी मात्रा में निवेश कर रहे हैं तो इसके पीछे काफ़ी सारे अच्छे कारण देखे जा सकते हैं। और अगर अब भाई हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है। और इसके अलावा जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए